आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। छात्रा काजल सिंह की हत्या, आरोपी 1 लाख के इनामिया बदमाश विजय प्रजापति को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। एसएसपी ने कहा, विजय के ऊपर यूपी और उत्तराखंड में दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। 2 पिस्टल, सीबीआई और हरियाणा पुलिस का फर्जी आईडी हुआ बरामद। नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी और पुत्री पर किया तेजाब से हमला। बुरी तरह झुलसी पत्नी और पुत्री को कैंट पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, हालत गंभीर। एएसपी सीओ कैंट ने कहा, आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है आगे की कार्यवाही। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। जिलाधिकारी ने माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, पंत जी के विचारों को आत्मसात कर प्रदेश का करेंगे विकास। महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम में मनाया गया भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। दी गई श्रद्धांजलि। कहा, ऐसे महान व्यक्तित्व का अपने जीवन में करना चाहिए अनुसरण। खुद ही नाव चलाकर स्कूल जाने वाली संध्या साहनी के घर पहुंचे सदर सांसद रवि किशन। छात्रा संध्या से मिलकर किया उत्साहवर्धन। कहा, संध्या के पूरे पढ़ाई का उठाएंगे खर्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के संबंधित कार्यों की गई समीक्षा। 15वें वित्त आयोग के कार्यों, डेंगू और मलेरिया के रोकथाम तथा कोविड के दौरान मृतकों के आश्रितों को नौकरी और देयकों के भुगतान के दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन संबंधित बैठक। कहा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार और इनकम। जिले के 40 गांव बनेंगे मॉडल गांव। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में आयोजित हुआ व्याख्यान माला। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य वक्ताओं ने महंत दिग्विजयनाथ के जीवन पर डाला प्रकाश। बाढ़ प्रभावित गांवों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, 83 बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्यकर्मी लोगों को दे रहे हैं चिकित्सक के परामर्श और निशुल्क दवाइयां। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर मनाया गया प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। दी गई श्रद्धांजलि। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 126 केंद्रों पर 50,125 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 42,151 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 7,974 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अब तक 21 लाख से ऊपर लोगों को किया जा चुका है वैक्सीनेशन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गार्ड बॉक्स की व्यवस्था को समाप्त करने और ट्रॉली बैग की नई व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ शुक्रवार को गोरखपुर के डीजल लॉबी पर गार्डों ने व्यक्त किया आक्रोश, लागू हुई पुरानी व्यवस्था। भारत रत्न एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर एमपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित अन्य अध्यापकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की आजादी में गोविंद वल्लभ पंत का अहम है योगदान। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,404। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीजे एवं पीजी डिप्लोमा इन न्यू मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन और पीजी डिप्लोमा इन फिल्म प्रोडक्शन एवं एमएससी जूलॉजी और एमएससी एक्वाकल्चर की प्रवेश परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। 787 अभ्यर्थी हुए शामिल, 149 ने छोड़ी परीक्षा। और जनपद में लगातार घट रहा है नदियों का जलस्तर, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग लगातार कर रहा है कैंप। बाढ़ पीड़ितों को नहीं होने दी जाएगी कोई दिक्कत।